ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये आज मैं आपको एक दोस्त के ऑस्ट्रेलियन कॉलोनी का विज़िट करवाता हूँ, जिसकी न्यू ब्रीड स्टार्ट हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि हर कुजी के अंदर आपको बच्चे दिखाई देंगे। ये देखें, एक कुजी मैं दिखाऊंगा, उसके अंदर 6 एग पड़े होंगे शायद। ये वाली नहीं, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें, इसने 2 बच्चे निकाले हुए हैं, स्पेयर ने 4 अंडे दिए हुए हैं, और ये 2-3 बच्चे चिक निकले हुए हैं। ये देखें इसमें, ये देखें जी, तकरीबन तमाम बर्ड्स ने बच्चे निकाले हुए हैं। तो मैं इसके फीड की भी बात करूंगा कि ये मेरा दोस्त कौन सी फीड यूज़ कर रहा है। मिक्स फीड तो यूज़ कर ही रहा है, लेकिन इसमें 2-3 आइटम ऐसे भी इस्तेमाल किए हुए हैं जिससे ब्रीड्स 100% आपको आएगी। मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये देखें, 6 अंडे दिए हुए हैं, तकरीबन 6 अंडों में 6-7-8 आम हैं इस कुजियों के अंदर। मैं कुछ आपको विज़िट भी करवाता हूँ। इसके अलावा इसके पास कुछ बर्ड्स और केज में रखे हुए हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। आप वीडियो को कम्प्लीट लास्ट तक देखें। ये देखें जी, एक और आपको पेयर चेक करवाता हूँ। ये देखें, इसके अंदर भी 1 अंडा दिया हुआ है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर 1 दिए। ये सारी इसी सेशन की ब्रीड है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जो इसने मुझे बताया कि वो कहता है कि मैं चना बहुत इस्तेमाल करता हूँ। आप मिक्स फीड के अंदर चने का लाजमी इस्तेमाल करें, काले चने का। बेशक आप भगो कर भी इन्हें दे सकते हैं। चने से ये 100% ब्रीड करेंगे और अंडे अनफर्टाइल नहीं होंगे। इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर तरह की नई वीडियो फ़ौरन से मिल सके। ये बॉक्स के अंदर एक पेयर लगाया हुआ है, इसने भी अंडे दिए हुए हैं, देख लें। इनकी तकरीबन 4 दिए हुए हैं इसने। दोस्तों, वीडियो कम्प्लीट देखें। अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। चैनल का नाम बी फॉर बर्ड्स है। आप चेक करेंगे यूट्यूब के ऊपर, जैसे ही बी फॉर बर्ड्स लिखेंगे, रेड कलर का लोगो है, तो मेरा चैनल आ जाएगा। आपको इस चैनल के ऊपर हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये देखें जी, एक और पेयर। ये इनके बच्चे निकले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 12 होने वाले हैं। मैं आपके लिए चैनल के ऊपर अच्छी सी वीडियोस बनाकर डालता रहता हूँ। दोस्तों, अब मेरा जो इरादा है, मैं आपके लिए मकाक कह दिया ग्रे पैरट के फार्म का विज़िट करने जाऊँगा और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दूँगा। तकरीबन थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, 2-4 दिन तक मैं निकलूँगा, तो आपको कंप्लीट ग्रे पैरट के फार्म की इंफॉर्मेशन दूँगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर लगाएंगे जाए तो हमें सालाना कितनी बचत हो सकती है। आप जानते हैं, ग्रे पैरट की आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन मैं ये 2-4 दिन तक फार्म का विज़िट करूंगा और उसकी वीडियो बनाकर ग्रे पैरट के फार्म की चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर मेरी वीडियो फ़ौरन से मिल सके, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा, मैं जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगा, वो वीडियो आपको फ़ौरन से मिल जाएगी। ये देख सकते हैं, ये एक और कॉलोनी लगाई हुई है अलग केज के अंदर। इसके अंदर भी तकरीबन जैसे पहले दिखाए हुए हैं, ऐसे ही बच्चे निकाले हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरह की ब्रीड हासिल कर सकें, तो आप मिक्स फीड के अंदर चने का इस्तेमाल करें और चने भगो कर भी अपने पैरट्स को दें। आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में ब्रीड की रेशो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। ये एक दोस्त का पुराना फार्म का मैंने विज़िट किया था, उसका एक पैरेट है यूके हैगजी का। ये देख लें आप, ये देखें जी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।